प्रीति जायसवाल, स्वागत है आपका DCB24 में। जैसे कि आप सभी को पता है, सावन का पर्व शुरू हो चुका है, सावन का महीना शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में हर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। तो आपको बता दें, आज चौबे कॉलोनी से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जो कि महादेव घाट में जाके रुकेगी। और ये यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ, बोल बम के जयकारों के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं भक्तों में किस तरह का उत्साह है, भक्त कितने अच्छे से आए हैं और कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानेंगे कि उन्हें यात्रा में क्या कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है सर आपको? जय भोले। कैसा लग रहा है? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, कि जैसे कि हर बार हो रहा है कार्यक्रम, हर साल करना चाहिए इसे। और बाबा का एक आगे के लिए भी सब लोग जो चल रहा अभी बाबा के प्रति, उसके लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? ये हमारे चौबे कॉलोनी से महादेव घाट जा रहे हैं। और इतनी भीड़ रहेगी, आप उम्मीद है कि और भीड़ बढ़ सकती है? बाबा से यही उम्मीद करते हैं कि और हमारी आगे कार्य करते रहे और भीड़ और ज्यादा रहेगी आगे भी। बोल बम। जय बोले। मेरा नाम उदित अग्रवाल है। यह कांवड़ यात्रा हम प्रथम वर्ष है ये हमारा, और इसमें पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, भोले बाबा का आशीर्वाद रहा, जिसे हम 150 से 200 लोग तकरीबन अभी हम लोग कांवड़ उठाए हैं और भोले के दरबार महादेव घाट जा रहे हैं। यह कांवड़ हम चिंतारण हनुमान मंदिर चौबे कॉलोनी से उठा करके अपना अग्रसेन चौक, लाखे नगर, सुंदर नगर होते हुए महादेव घाट की ओर प्रस्थान किए हुए हैं। कांवड़ यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधा रखी गई है? कांवड़ यात्रा में यात्रियों के लिए रास्ते में पानी का, फल का सब व्यवस्था किया हुआ है, और सुंदर नगर में कांवड़ियों के लिए चाय नाश्ता का प्रबंध भी किया हुआ है। महादेव घाट में जब दर्शन कर लेंगे उसके बाद वहां पे प्रसादी का भी कार्यक्रम किया गया है। अभी लगभग कितने लोग शामिल हैं इसमें? अभी हमारे कांवड़ यात्रा में 175 से भी प्लस कांवड़ियाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समिति किस तरह से चल रही है? समिति अभी इसमें हमने समिति बनाया नहीं है, अभी 4-5 लोग मिल करके इसका आयोजन किए हैं। अगर आप भोले बाबा का और आप लोग का सबका आशीर्वाद रहा तो जल्द ही समिति भी बनाएंगे और इसको और भव्य रूप से करने की कोशिश करेंगे। अच्छा।